नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय वर्मन है और मैं आज आपके लिए लेके आया है एक स्मार्ट ब्रेसलेट बोल लीजिए या स्मार्ट बैंड बोल लीजिए। ये देखिए, इसका जो है ये बॉक्स है और इसके अंदर जो है ये वॉच है ना। मैंने पहले इसको खोल के चार्ज कर लिया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये देखिए, हमको बॉक्स के अंदर में क्या मिलता है। एक ये वाला है यूज़र मैनुअल है ना। इसमें जो है लिखा हुआ है आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम आगे, यही सी सारी चीज़ जो है इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। और ये एक स्कैनर भी दिया हुआ है, इससे आप जो है स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल की स्कैनर से, और आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे जो है ये चलेगा, ठीक है। और ये है हमारा वॉच, ये देखिए, ये सारी चीज़ें इसमें फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं, मैं आपको इसमें दिखाऊंगा आगे। और ये इसका बेल्ट है वॉच का, ये रबर का बेल्ट है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छा है, ये क्वालिटी वाइज अच्छी दिख रही है ना। प्राइस वाइज ये चले दोस्तों, अब जो है हम इसको चार्ज कर लेते हैं। मैंने चार्ज करने के लिए बोर्ड रेडी कर लिया है और ये है मेरा मोबाइल का चार्जर है ना। इसके साथ कोई चार्जर नहीं मिलता है आपको, आप मोबाइल के चार्ज से ही इसको चार्ज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसको चार्जर को लगाते हैं और ये हमारा वॉच, इसको जो है हमको ऐसा लगाना है। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ये चार्ज हो रहा है हमारा है ना। आप ऐसा चार्ज कर सकते हैं। चलिए आगे हम आप देखते हैं कि इसका फीचर्स क्या क्या दिया हुआ है। ये टाइम दिया हुआ है, स्पोर्ट्स दिया हुआ है ना, उसके बाद ये हार्ट बीट वगैरह दिया हुआ है, ये स्पोर्ट्स है, मैसेज, आपको मैसेज का भी नोटिफिकेशन इसमें आपको दिखेगा, व्हाट्सअप, फेसबुक या टेक्स्ट मैसेज का नोटिफिकेशन। और ये म्यूज़िक आप इसमें से कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें मोर के ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको प्रेस करके रखेंगे। स्लीप वेदर का दिया है, कैमरा कंट्रोल भी आप कर सकते हैं है ना, और रिस्टार्ट स्कैनर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे कैसे यूज़ करना है ये सारी चीज़ें आपको जो है मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन में दिखाऊंगा है ना, ऐप डाउनलोड करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और हम प्ले स्टोर खोल लेते हैं। ये देखिए, प्ले स्टोर ओपन हो गया है और हमें सर्च करना है फिट प्रो है ना। इसको मैंने जो है पहले डाउनलोड कर लिया है, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ फिट प्रो, अब लोगों देख लीजिए अच्छे से। चलिए ओपन करते हैं, ये मेरा ऐप ओपन हो रहा है फिट प्रो का, और ये देख सकते हैं ये जो है ओपन हो गया है और कुछ ऐसा दिखेगा आपको जब इसको जो है आप ओपन करते हैं। नीचे जो है, चलिए सेटिंग पे जाते हैं, इसमें नीचे दिया हुआ है सेट का ऑप्शन है ना, उस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप सेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये स्कैन होगा है ना, ये स्कैन हो रहा है और आपका जो है मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। कभी कभार थोड़ा स्कैन लेने में टाइम लगता है, थोड़ा आप वेट करिए उसके लिए। अगर आपका स्कैन नहीं ले रहा है तो आप एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये मेरा स्कैन हो गया है और ये कंप्लीट हो गया मेरा पूरा सेटिंग, और ये मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गया है मेरा वॉच। और इसमें आगे देखते हैं इसमें क्या क्या सेटिंग दिया हुआ है। तो सब सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है मैसेज पुश ऑप्शन, इसको हम खोल लेते हैं। चलिए मैसेज पुश ऑप्शन ये खोल लिया है हमने, और इसमें सारे चीज़ें दिया हुआ है आपको जो है क्या क्या नोटिफिकेशन आपको जो है दिखेगा आपके वॉच में। तो मैंने कॉल रिमाइंडर को ऑन कर लिया है, ये सारे ऑफ रहता है, आपको ऑन करना रहेगा। मैसेज रिमाइंडर इसमें सारे दिया हुआ है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो जो आपको चाहिए आप उसमें जो है ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऑन कर लीजिए, हम भी ऑन कर रहे हैं इसको। ये हमारा ऑन हो गया है। चलिए उसके बाद है सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे डायल पैड
डायल सेटिंग में जाएंगे तो इसमें आपको दिख जाएगा, ये आपका मोबाइल का जो आपका वॉच है उसमें आप डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। अलग अलग डिस्प्ले दिया हुआ है, आपको जैसा अच्छा लगे आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है बाकी कोई काम का चीज़ मेरे को लगा नहीं, जो काम का चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अलार्म दिया हुआ है, आप अलार्म सेट कर सकते हैं यहाँ से। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इसमें कॉलिंग करके, है ना, मोबाइल में कॉलिंग करेंगे और आपको जो है इसमें दिखाएंगे कि नोटिफिकेशन कैसा आ रहा है। चलिए दोस्तों, मैंने जो है ये सारा चीज़ सेटिंग कर लिया है, अब आपको हम दिखाते हैं इसमें कॉल करके, है ना, इसमें कॉलिंग का नोटिफिकेशन कैसा आता है। मैं अपने दूसरे मोबाइल से जो है इसमें कॉल करता हूँ। ये देखिए, ये कॉलिंग का नोटिफिकेशन आ रहा है इसमें, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने दूसरे मोबाइल से कॉल किया है और ये कॉलिंग का नोटिफिकेशन आ रहा है। और ख़ास बात यह है कि इसमें वाइब्रेट भी करता है ना, आप जैसे ही इसको पहने रहेंगे, है ना, वॉच को पहने रहेंगे तो आपको जो है ये वाइब्रेट करेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से नोटिफिकेशन आ रहा है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, आपको काम का आया हो, तो आप इसे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम आगे मिलते हैं आपको जो है एक नए वीडियो के साथ, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।